बिहार के गया में लड़की के परिवारजनों ने प्रेमी जोड़े की हत्या कर उनके शव के टुकड़े करके जला देने की वारदात सामने आई है। बताया जाता है कि लड़की के घरवालों ने प्रेमी व प्रेमिका की हत्या कर उनके शव को टुकड़ों में काटकर पेट्रोल डालकर जला दिया है। मामला गया के वजीरगंज इलाके का बताया जा रहा है। इस घटना को पैमार नदी के पास अंजाम दिया गया है। पुलिस ने उनके अस्थियों के अवशेष को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक युवक मनियारा में लड़की को ट्यूशन पढ़ाता था। इसी दौरान दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। इसके बाद दोनों ने एक मंदिर में शादी कर ली। इसके बाद वह वजीरगंज में एक किराए के मकान में रह रहे थे। इस बीच बताया जाता है कि पास में मौजूद एक पेट्रोल पंप पर वह तेल लेने के लिए रुका था, जहां से उसे अगवा कर लिया गया। इसके बाद हुबली नदी के किनारे एक सुनसान जगह पर लड़की को भी लाया गया, फिर दोनों की गला दबाकर हत्या कर शव के कई टुकड़े कर लिए। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। मेरा भगना और मेरा भाई दोनों आ रहा था, मतलब घर से मिल के, जिस कुछ दिन पहले जेल से छूटा था, 15 दिन पहले, यही लड़की के मैटर में। और उसके बाद फिर वहीं से वो रहता था, बहन ही, बहन का ससुराल पड़ा आरा झारखंड, वहाँ से लौट रहा था। वो लौट के घर पे आया, घर में बहन से मिला, उसके बाद यहाँ से लौट रहा था। और लौटने के क्रम में बीच रास्ता में मतलब कोई लगा हुआ है, इसके कारण वो मतलब ध्यान में अति किया। और जहाँ मनियारा उनका लड़का के लड़की के जहाँ घर है, वहीं के आसपास रुका, गाड़ी रोक दिया उसको, और रोक के और पकड़ा इसको, और जो मेरा भगना है उसको पकड़ने लगा तो गिर भगड़ के भागा, लेकिन इसको पकड़ लिया। अब पकड़ ले जाने के बाद फिर जाके इसको कहीं रखा, और रखने के बाद आज हम सुबह में देखे जाके तो वहाँ मतलब लाश को जला के, मतलब काट के लाश को जला दिया गया, और उसके पेट्रोल से जलाया, और फिर उसको पानी से भिंगा के पूरा दहा। पासवान पिता स्वर्गीय वासु पासवान के द्वारा अपने बेटे के अपहरण की गुमशुदगी अपहरण की FIR मुफसिल थाना में दर्ज कराई गई। FIR दर्ज होने के बाद हम लोगों ने अनुसंधान किया तो पता चला कि इनके बेटे ने पहले से मनियारा की एक लड़की के साथ भाग गए थे, प्रेम प्रसंग में लोग चले गए थे, उसमें इनके बेटे को अरेस्ट भी किया गया था, जेल से अभी कुछ दिन पहले ही छूट कर आए थे। आगे के अनुसंधान करने पर पाया गया कि गांव वालों ने, परिवार वालों ने मिलके इस लड़के की हत्या कर दी है, और अग्रिम अनुसंधान करने पाया कि इन्होंने अपनी बेटी की भी हत्या कर दी है। उस जगह को चिन्हित कर लिया गया है, वहां से हत्या करने के बाद इन्होंने दोनों डेड बॉडियों को जला दिया है। कुछ अवशेष मिले हैं, हड्डियों के अवशेष मिले हैं, उनको सीज किया गया है प्रॉपर DNA प्रोफाइलिंग और जाँच कराने के लिए, और आगे की जांच चल रही है कि किस वजह से ये हत्या की गई है। इस पे मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा जातिवाद रहा है कि नहीं, लेकिन हाँ, पिता का ये कहना है कि चूंकि मेरी लड़की पहले से उस लड़के के साथ गई थी तो एक सोशल स्टिग्मा था, लोग बार बार हमको कहते थे कि तुम्हारी लड़की उसके साथ भाग गई है, इस वजह से उसको अंदर से मन में एक अचूकता था, जिस वजह से उसने ये हत्या। कहाँ के रहने वाले? लड़की का परिवार मनियारा का रहने वाला है, मुफस्सिल थाना क्षेत्र का, और लड़का का परिवार जो है कारीसोबा वजीरगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला। इसमें 3 गिरफ्तारियां अभी तक हुई हैं। प्राथमिक अभियुक्त बालेश्वर यादव जी की गिरफ्तारी हुई है, श्रवण यादव की गिरफ्तारी हुई है, और बालेश्वर यादव के एक भाई हैं नागेंद्र यादव, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है।